बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं, चले शुरू करते हैं। प्रेशर में सबसे पहले हमने ऑयल डालना है, तकरीबन एक कप छोटे वाला। तीन से चार प्याज है हमने, ये ऐड किए। अब इसको भूनेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें एक टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट डालना है और एक टेबलस्पून हमने अदरक का पेस्ट डालना है। इसको भी भूनेंगे। इसके बाद दो मिनट भूनने के बाद इसमें ये टमाटर ऐड करते हैं। ये भून रहा है। अब इसमें मटन ऐड करेंगे, बकरे का गोश्त। ये तकरीबन एक किलो है। और साथ ही इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे। ये डेढ़ टेबल स्पून मिर्चे हैं, आधा टीस्पून ये हल्दी है और एक टेबलस्पून ये सॉल्ट है। तीन सब्ज इलायची हैं, दो मोटी इलायची हैं, दो तीन दालचीनी के टुकड़े, ये सब ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर भूनेंगे इसको। अब इसमें ना पानी ऐड कर देंगे। एक गिलास पानी ऐड किया इसमें मैंने। अब इसको प्रेशर लगा के 20 से 25 मिनट इसको गलाएंगे। प्रेशर लगा देंगे। अभी इसमें पानी है। अब इसको थोड़ी देर तक इसको भूनते हैं, तेज आग करके ना, तो भूनते हैं इसको। जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। ये अच्छे तरीके से भून गया, अब इसमें आलू ऐड करते हैं। आलू को भी दो मिनट के लिए इसको भुने गए। अब हमारे आलू भुन चुके हैं, अब इसमें पानी ऐड करते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको पकने देते हैं। अब इसमें ये हमारा हो रहा है। अब इसमें सब्ज मिर्चे डालेंगे चार। और एक टीस्पून गरम मसाला। दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर इसके बाद डिश आउट करते हैं। अब हम डिश आउट करते हैं।
ये हमारा मजेदार सा आलू गोश्त तैयार है।